तो अगर आपके पास भी है आईफोन, आईफोन 11, 12, 13, 14, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, और आप भी अगर अपने आईफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग भी चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, कैसे आपको सेटिंग में जाके उसका सेटिंग ऑन करना है। फर्स्ट हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं सेटिंग में क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर आना है कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर ये जो दिख रहा है जनरल और डिस्प्ले ब्राइटनेस के बीच में, इसको मैं क्लिक करूँगा। देन आफ्टर आपका यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो शो हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साउंड रिकॉग्निशन, आपका यहाँ पे नहीं दिया होगा। आपका यहाँ पे नीचे जो ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे मोर कंट्रोल्स में दिया होगा, तो आपको उसमें प्लस करके ऐड कर लेना है। और जैसे आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे नीचे तरफ ये नीचे तरफ जो रेड रेड क्लिंक ब्लिंक कर रहे हैं स्कैनर के बाजू में, यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा। और अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आपका आ गया, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद आपका सिर्फ वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, ना कि वॉइस के साथ रिकॉर्ड होगा। तो वॉइस के साथ रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ पूरा। आप इसको टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पर आपका माइक्रोफोन, तो हमारे यहाँ पे माइक्रोफोन ऑफ दिखा रहा होगा। आपको एक बार बस माइक्रोफोन जो ऑफ लिखा है उसमें एक बार क्लिक करेंगे जैसे ही आप, देन आफ्टर आपको माइक्रोफोन ऑन दिखाएगा। और यहाँ पे आपके सामने सबसे शो हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ब्लिंक कर रहा है। फोटोज़ में आपका कितने सेकंड मिनट दिखा रहा है, कितना चल गया। तो इस प्रकार आप अपने आईफोन में भी अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि एंड्रॉयड में होता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए तो आज का सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।